हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ मेरे ही चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कस्टम यूआरएल आप कैसे बना सकते हैं अपने चैनल का। हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका चैनल का कस्टम यूआरएल आप बनाना चाहते हैं तो आपके चैनल पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो आपका कस्टम यूआरएल नहीं बन पाएगा। उसका जो बनाने का तरीका है वो इनेबल ही नहीं होगा। तो आपके चैनल पर 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं तो आप ज़रूर बना सकते हैं। आप बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं एक एक करके सारा स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप देख सकते हैं ये मेरे यूट्यूब चैनल ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली चैनल पर जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल का ऑप्शन है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको आप नीचे देख सकते हैं कस्टम यूआरएल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टम यूआरएल और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल का ऑप्शन भी आ चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इनेबल पर जाना होगा। यहाँ पर इनेबल पर जाने के बाद आपको सिंपली थोड़ा जूम करना है और यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर हेयर लिखा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा हेयर लिखा होगा, आपको सिंपली यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा कस्टम यूआरएल जो है वो बन जाने के बाद आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पर ऐड होगा। आप देख सकते हैं youtube.com/mehttechnology। आप यहाँ पर सर्च करेंगे youtube.com/mehttechnology सर्च करेंगे तो आप चैनल पर जा सकते हैं। ये है कस्टम यूआरएल। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिलेक्ट करती हूँ मेहर टेक्नोलॉजी और यहाँ पर जो बॉक्स है यहाँ पर मैं फिल कर लेती हूँ। यहाँ पर फिल कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं चेंज यूआरएल यहाँ पर लिखा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो यूआरएल है यहाँ पर शो होगा, youtube.com/mehttechnology। ठीक है, आपको यहाँ पर कन्फर्म करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कंफर्म कर देने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल ओपन हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग हो जाने के बाद ये मेरे चैनल पर जा चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देती हूँ कि सर्च कर देने के बाद मेरे चैनल आता है या तो नहीं। तो दोस्तों, मैं एक बार यहाँ पर सर्च कर देती हूँ youtube.com/mehttechnology। यहाँ पर मैं कॉपी करके ऑलरेडी रखा था, यहाँ पर youtube.com/mehttechnology हो गया। मैं यहाँ पर एक बार सर्च करके देख लेती हूँ यहाँ पर मेरे चैनल आता है या तो नहीं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा चैनल आ चुका है। आप देख सकते हैं ये मेरा जो मैं जो यूआरएल यहाँ पर सेट किया रखा था वो कंप्लीट हो चुका है।